आप देख सकते हैं गोंडा विधानसभा के अंतर्गत आने वाला गोंडा वार्ड, जिसकी निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले ही यहाँ रक्तदान शिविर लगा था, जिसमें एक अनोखी पहल की गई थी कि आप रक्तदान के करिए, लोगों की जान बचाइए और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा के लिए उनको हेलमेट बांटे गए थे। और अब आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं और उन्होंने ही इस पार्टी को खड़ा करने में, बनाने में बहुत मेहनत की है, आज यह पार्टी 200 से 400 सीटों तक पहुंची है। उसका कारण यही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता ही इस पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं। उनकी विचारधारा और काम ही लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसी कड़ी में गोंडा वार्ड से निगम पार्षद प्रीति गुप्ता भी ऐसे ही कार्य कर रही हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जन्मदिवस है, उस पे यहाँ पे नेत्र जांच कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों को जरूरत के हिसाब से सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर कोई चश्मा लेने में असमर्थ है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मा दिया जा रहा है, उसकी जाँच की जा रही है। और बड़ी संख्या में अभी तक करीब 200 लोग यहाँ पर जाँच करवा के जा चुके हैं, और आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ें अगर समाज में होती हैं तो यह क्षेत्र के लोगों का भला ही करती हैं, और शोबाजी करके, भीड़ इकट्ठा करके, हुड़दंग मचा के, ऐसे काम ना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पखवाड़े के जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें अगर लोगों का भला होता है, क्षेत्र का भला होता है, समाज का भला होता है, तो लोगों का इससे अच्छा फ़ायदा क्या हो सकता है। सर, सबसे पहले नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पखवाड़े के तहत जन्मदिन पे हमने ये सारा, हमें 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने ये कार्यक्रम रखवाए हैं। इसमें से एक पखवाड़ा के तहत आज हमने आँखों का शिविर लगवाया है, जिससे कि हमने अपने क्षेत्र की जनता को हमने बुलाया और ये हम ये काम करवा रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी, जो कि बीजेपी की रीढ़ की हड्डी बताए जाते हैं, आज उनका जन्मदिन भी, उनका भी आप लोग ऐसा कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं? हाँ जी, आज जो इनसे सबसे ज़्यादा प्रेरणा हमें मिलती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्मदिन है, हमारे समझ लो एक तरह बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है, और जिससे कि तहत आज उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं अपने बीजेपी कार्यालय में। तो यानी आज आप लोगों के लिए डबल खुशी है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी चल रहा है और साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी है, तो दोनों को लेकर आप कार्यक्रम कर रहे हैं आज? हाँ, दोनों का आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन भी और मोदी जी का जन्मदिन भी, इस पखवाड़े के तहत हमारा ये सारा कार्यक्रम हमारे मतलब कि हमारे कार्यालय में मनाया जा रहा है जोर शोर से, और हमारे मंडल के लोग यहाँ पर सारे उपस्थित हैं, वो भी इस कार्यक्रम के में शामिल हैं और जोर शोर से हमारे साथ भागीदार बन रहे हैं। देखिए, भाजपा के हर कार्यकर्ताओं को जिनसे प्रेरणा मिलती है, पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन है, आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर आज एक तरफ मोदी जी का पखवाड़ा भी चल रहा है, क्योंकि इनका जब जन्मदिन होता है तो भाजपा इसे सेवा सप्ताह के रूप में, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है, तो आज आँखों का कैंप निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी द्वारा लगाया गया है, और हमें लगता है इससे देश का ही तो भला हो रहा है, क्षेत्र का भला हो रहा है, अगर बहुत सारे लोगों की आँखों की रोशनी अगर मिल जाती है, उनको उनका भला होता है, तो इसी में इनका जन्मदिन सही साबित होगा, क्योंकि हम उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, उनके पदचिन्हों पर चलने की छोटी सी कोशिश रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से लोगों का यहाँ पे जो समावड़ा है, हुजूम है, कितना आपको प्रेरित कर रहा है? देखो, प्रेरित तो ये हुजूम हमें करता ही है, क्योंकि हम हमारी पार्षद जो है निरंतर कार्य करती रहती हैं, आज हमारे जो भाजपा की रीढ़ की हड्डी हैं और जनता पार्टी के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के भी संस्थापक रहे हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जन्मदिवस है, और यह जन्मदिवस आज हमारे पूरे गोंडा मंडल में हर बूथ पर आज उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है, और प्रीति गुप्ता जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके जन्मदिवस पर आज इन्होंने निःशुल्क नेत्र जांच का शिविर लगाया है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रीति जी का। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रही है, और बड़ी खुशी की बात है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है,
कल हमने इसी निमित्त एक रक्तदान शिविर लगाया था और आज आई कैंप हमने अपने निगम पार्षद के सौजन्य से लगवाया। मेरा मानना यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन हो चाहे मोदी जी का जन्मदिन हो, पर जनता का भला होना चाहिए और उसी के लिए हम ये लोग मतलब ये इस तरह का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। धन्यवाद। कितना भला हो रहा है क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं कि मेरे जन्मदिन को बिल्कुल आराम से ऐसे मनाइए कि हर क्षेत्र के लोगों तक आप पहुँचे। मोदी जी के जो जन्मदिन है उसका सेवा सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है और मोदी जी ने कहा है मेरा जन्मदिन भव्य तरीके से न मनाकर हर घर तक और देश के हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और मोदी जी का जन्मदिन बहुत ही सूक्ष्म तथा हर नागरिक को इसका फायदा मिले, तो इसलिए हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं हर बूथ पर मोदी जी के जन्मदिन के सप्ताह पर घर घर जाकर या हर बूथ पर जाकर लोगों की सेवा भावना से काम कर रहे हैं। फायदा हो रहा है लोगों को इससे? लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। जिस दिन से 17 तारीख से श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन शुरू हुआ है उस दिन से हर गरीब के पास में सुविधाएं पहुंच रही हैं, चाहे वो चश्मे का हो या फल वितरण हो और अन्य बहुत इस पखवाड़े के अंदर बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं। उन लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं जिन लोगों को कोई पूछता नहीं था। आज उसी पखवाड़े के अंतर्गत हमारे जो संस्थापक हैं भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनका भी जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पार्षद जो प्रीति गुप्ता जी हैं उन्होंने चश्मा वितरण का कैंप लगाया है और उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए चश्मा लेना कठिन होता था उन लोगों के लिए चश्मा फ्री में दिया जा रहा है। आज हमारे भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्म जयंती है। वास्तव में ही दीनदयाल जी दीन के दयाल ही थे। उनके जो बातें बताई हुई हैं और उनके कर्म कमलों में चरणों में हम चल रहे हैं और ऐसे ही भाजपा आगे बढ़ रही है। भारत माता की जय। जय हिंद।